वेरी नाइस, क्या पिक्चर आ रहा है। एक्चुअली आपने अच्छा हुआ बोल दिया मुझे कि इतने सारी एक्ट्रेसेस कर रही है, तो अच्छा है कि शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं। आजकल के इस ज़माने में ऑनलाइन का ये चल रहा है दौर है, बहुत सारे लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि इतनी लंबी फिल्म्स जाके देखें। सोशली कैसे मैसेज हम पास कर सकते हैं, सोशली हम कैसे लोगों को दिखा सकते हैं कि क्या करना है, क्यों यू नो फाइट करना है, कौन से कॉज के ऊपर फाइट करना है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। अगर आरती और कश्मीरा कर रहे हैं, आई एम रियली ग्लैड कि यू नो दे आर ऑल्सो टेकिंग द स्टेप, एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी कि मैं भी ये स्टेप ले रही हूँ, क्योंकि और हमारा फिल्म जो है वो एक एजुकेटिंग द गर्ल्स चाइल्ड के ऊपर है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी कह सकते हैं है, बिकॉज आज के टाइम पे भी जहाँ पे इतना सारा ग्लैमर है, देर इज़ सो मच नॉलेज अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड एवरीथिंग, लड़कियाँ एंड लड़कियों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। फैमिलीज़ वुड रादर स्पेंड मनी ऑन देयर मैरिज, फैमिलीज वुड रादर स्पेंड मनी ऑन समथिंग एल्स, पर एजुकेशन पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। और तब जाके आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जहाँ पे हम दिखा सके कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आज के तारीख में। आप ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें, एजुकेशन मतलब इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन आप किसी भी फील्ड में देखें कि ऐसा जरूरी नहीं कि एजुकेशन के बल बलबत आदमी सक्सेसफुल हुआ है। आप बिजनेस की बात लें या स्पोर्ट्स की या ग्लैमर वर्ल्ड की बात लें, मतलब भैया ग्लैमर वर्ल्ड में थैंक गॉड हम आए हैं और हमें एजुकेशन नहीं मिली, हमें आज पता चल रहा है कि इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि इतना, मतलब मैंने तो हाफ ही छोड़ दी एजुकेशन। आज मैं क्यों ये फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक अगर मेरे पास एक एजुकेशन का बैकअप होता तो आज ये एज में अगर मेरा करियर डगमगा गया होता या मुझे काम नहीं मिल रहा होता तो वो एक फॉल बैक कर सकती थी। आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने शायद यू नो बिकॉज आई वॉज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड, अगर मैंने किया होता तो मैं आज कोई भी MNC में जाके यू नो एटलीस्ट जॉब करती थी और बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता था मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ ऐसा टाइम आ गया है कि आई कैनॉट गो टू कंपनीज एंड से दिस इज़ माई एजुकेशन बैकग्राउंड, दिस इज़ वॉट आई हैव, दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग। ग्लैमर फील्ड का ये प्रॉब्लम है कि हम एक अटक जाते तो अटक ही जाते हैं, यू नो आई मीन इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ग्लैमरस, इट्स वेरी एवरीथिंग, बट हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि एक्टर या एक्ट्रेस का सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम होता है, और वो थोड़े से टाइम में जितना आप काम कर सकते हैं दैट्स वेरी गुड, बट इट्स ओनली फॉर फ्यू ईयर्स, इट्स नॉट फॉर एवर। लेकिन मेघना ये तो अपनी हमलनेस की बात हो गई, लेकिन आपने कलियों के चमन से जितना पॉपुलैरिटी की के जितना शोज किया उतना तो मतलब कोई भी अभी ऑफिस में काम करने वाली एक एवरेज गर्ल सोच भी नहीं सकती वो रिकॉग्निशन के लिए, तो फिर आप एजुकेशन आप के? अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा किया, अगर कलियों का चमन नहीं होता तो मैं क्या करती, मैं शायद ही शादी करके 3-4 बच्चे मेरे खुद के होते मैं अभी भी लाइक मैं आई वुड बी अ हाउस वाइफ, मैं क्या करती अगर कलियों का चमन नहीं होता। सो आई वुड हैव ऑब्वियसली नॉट हैड एन ऑप्शन कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते मेरे पास। अगर मैं क्यों कहती हूँ, आज कोई भी बच्चे को मैं देखती हूँ यू नो अपने इंडस्ट्री में आता है, मुझे ये करना है, मुझे डांस करना है, मुझे सिंग करना है, मैं हमेशा उनके पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ एजुकेशन ख़त्म करने दो, उनको एजुकेशन ख़त्म करके ही आपको जो करना है करने दो। आप जैसे बोल रहे हैं कि ऑफिसेज में बहुत सारे लोग हैं उनको यू नो मेरे जैसा रिकग्निशन नहीं मिलता है, बट उनका एटलीस्ट दे हैव एन एजुकेशन इन द बैकिंग, एटलीस्ट उनको अगर ये ऑफिस में काम नहीं अच्छा लगा एटलीस्ट दे हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग एंड अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब, फॉर अ बेटर जॉब, फॉर अ बेटर प्रॉस्पेक्ट।
पर हमारा अगर मेरा कलियों का चमन नहीं होता और नहीं हिट होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता. दैट इज़ लक की बात. अगर लक नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं. लेकिन आपने फिल्मों में भी ट्राई किया, जहाँ तक हाँ आप शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है टोटल में 10% लोग इंटरनेट यूज करते हैं. हाँ. और जब स्टार बनने की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको रिकॉग्नाइज करें. हाँ और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पहचाने और जाने. हाँ. और उसको कमर्शियली बेनिफिट हो. तो शॉर्ट फिल्म में ना तो कमर्शियल कोई बेनिफिट है ना रिकॉग्नाइजेशन है, फिर भी इतना क्रेज क्यों हो रहा है. आई थिंक शॉर्ट फिल्म का बहुत सारा एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज कि कौन कौन नहीं देखता. इनफैक्ट आजकल आप कोई भी गांव में चले जाओ, आप कोई भी छोटे शहर में चले जाओ, कोई भी स्मॉल टाउन में चले जाओ, वहाँ पे इंटरनेट का इतना क्रेज़ है. लोग इंटरनेट देखते हैं. इनफैक्ट इंटरनेट स्टार्स कितने बने हैं, इंटरनेट से लोग कितने आए हैं. आज आप टीवी देखेंगे आप, मतलब आज मैं कल ही एक इंटरनेट सेंसेशन को टीवी पे देख रही थी. एक सुपर पॉपुलर शो कर रहा है. आई मीन इट्स इंटरनेट इज़ एवरीवेयर. छोटे छोटे शहरों में आप मतलब हम जब शोज़ के लिए जाते हैं हमें ये नहीं बोलते कि हम हमने आपके बारे में पेपर में पढ़ा, हमने आपको इंटरनेट पे देखा. भले ही यूट्यूब हो या शॉर्ट फिल्म हो या फिल्म हो, आजकल एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑन द फ़ोन. मतलब एक इंटरनेट ऐसा सेंसेशन हो गया है कि मतलब लोग आजकल लैपटॉप भी यूज़ नहीं करते, आजकल फ़ोन पे सब चालू रहता है, सब फ़ोन पे लगे पड़े रहते हैं, यू नो. सो आई थिंक इंटरनेट इज़ अ रेज अगर एंड दैट्स वाई सब लोग ये मीडियम यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप जितना अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं वैसे आप आजकल न्यूज़पेपर्स से नहीं स्प्रेड कर सकते. जैसा कि आपका नाम है साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री इतना मेजर इंडस्ट्री है, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, आप बॉलीवुड की तरफ रुख क्यों किया, मतलब आपने साउथ इंडस्ट्री में ज़्यादा. इनफैक्ट आई थिंक आपने अपना होमवर्क नहीं किया. मैंने तो बहुत सारा ज़्यादा साउथ फिल्म किया है. वेल मैं ये कहती हूँ कि मेरा करियर हिंदी से शुरू हुआ, फिर मैं साउथ में गई और फिर मैं डिसअपियर हो गई, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इंडस्ट्री में. मुझे एक्टिंग करने का इतना क्रेज़ नहीं था, क्योंकि कलियों का चमन बिकेम अ सुपर हिट, क्योंकि मेरे साउथ फिल्म्स इतने सुपर हिट हो गए, इसीलिए मैंने इतना काम किया है और यू नो इतना फेमस हो चुकी हूँ. बट अगर आप मुझे पूछे कि आप दिखाई नहीं देती आजकल, वो क्योंकि मेरा पर्सनल चॉइस था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. बट नाउ आई एम कमिंग बैक इंटू, मैं अभी टीवी कर रही हूँ, मैं अभी शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ, मैं अपनी यू नो डिफरेंट चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ वॉट आई एम वॉन्ट टू डू राइट नाउ. आई मीन भले ही पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट फिर से जाग गया है कि चलो लेट मी डू समथिंग डिफरेंट. एंड अगर डिफरेंट होता है तो आई एम वॉन्ट टू डू इट, यू नो, एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस. ये तो अच्छी बात है, शॉर्ट फिल्म का क्रेज बढ़ रहा है और मतलब वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स भी है, लेकिन कंट्रोवर्सी काफ़ी ऐड हो जाती है उसको रिलीज होने से पहले ही, ताकि मतलब लोगों को पता चले. वो ज़रूरी एस्पेक्ट है अगर आप बात करें तो. आई डोंट थिंक मैं, अगर आप मेरी बात करें तो फिर मैं ज़्यादातर कॉन्ट्रोवर्सीज में घूमी फिरी नहीं हूँ. शायद ही एक दो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है मेरे अराउंड, क्योंकि मैंने किसी को शायद झापड़ मार दिया था, पर उसके अलावा कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई है. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कॉन्ट्रोवर्सीज, आई डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग अ नेगेटिव वाइब टू गिव अ पॉजिटिव, यू नो क्या बोलते हैं, टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव. सो राइट नाउ अगर मैं ये शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ, हाँ ऑफकोर्स आई विल आस्क माई फेलो एक्टर्स. मैं अपने फेलो एक्टर्स को ये कहूँगी कि इफ़ दे लाइक द फिल्म, पहले देखो फिल्म, अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो फिर आप उसको प्रमोट करो. अगर वो हमारे फेलो एक्टर्स ने किया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर यू नो माय फिल्म. तीन फिल्मों की शूट करने वाली है, एक का टॉपिक एजुकेशन रिलेटेड है, बाकी दो फिल्मों का टॉपिक क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है? द थर्ड फिल्म, बेसिकली द फर्स्ट फिल्म इज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और फिर सेकेंड फिल्म है. हम एक्चुअली वो दो फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट आई वुड एक्चुअली वॉन्ट यू टू मीट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं. एंड आई थिंक द ऑडियंसेस शुड मीट आर डायरेक्टर, बिकॉज एक यंगस्टर है
आई एम सॉरी आई डिडंट आस्क हिज एज, बट उसको देखने से पता चलता है कि ही इज़ ओनली 25 या 26 ईयर ओल्ड. अभी अभी उन्होंने शुरू किया है, आई मीन ही इज बिन इन द इंडस्ट्री फॉर अ वाइल, पर अभी इंडिपेंडेंटली उन्होंने शुरू किया है, तो डेफिनेटली यू शुड स्पीक टू, आई मीन ही विल टेल यू मोर अबाउट द फिल्म. लास्टली ये पूछना चाहता हूँ, आज का जो सिनेरियो कहा था कॉन्टेंट किंग है, लेकिन आप देखिए शॉर्ट फिल्म की बात करें तो प्रोड्यूसर मिलना या डायरेक्टर मिलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर को ग्लैमर क्वेश्चन चाहिए हर को, तो वो उस बात से कितनी सहमत हैं? ऐसा नहीं है, इनफैक्ट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है ग्लैमर के ऊपर, बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, पर हमारी जो फिल्म है, हमारा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही है. जो डायरेक्टर है वो ही प्रोड्यूस कर रहा है आजकल, मतलब इतना टैलेंट भरा हुआ है हमारे इंडस्ट्री में कि ही इज़ जस्ट 25-26 ईयर ओल्ड एंड ही हैज़ द पैशन. उनको पैशन है, उनको आइडियाज़ है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो एक्चुअली ये कर रहे बिकॉज ही बिलीव्स इन यू नो द टॉपिक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. थैंक यू. सबसे इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम नितेश ठक्कर है. आई बीन वर्किंग एज़ ए एडी फॉर 5 years इन सीरियल्स एंड एड फिल्म्स एंड आई हैव वर्क्ड इन अ फिल्म विद समबडी एंड नाउ रिसेंटली सेट अप माय ओन बैनर इन द नेम ऑफ स्काईलिम मूवीज एंड आई स्टार्ट मेकिंग ओन शॉर्ट फिल्म. सो बेसिकली बिफोर दिस आई स्टार्टेड बाई मेकिंग 3 films विद पूजा गौर एंड देन आई मेड अनदर फिल्म ऑन स्वच्छ भारत अभियान एंड नाउ आई एम डूइंग दीज 3 films विद मेघना नायडू इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. आई नो हर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ. So yeah, that is about me. So tell me, what really inspired you to film on a subject of girls' education? And did you see anywhere ऐसा आपको लगा कि मतलब लड़कियों को पढ़ाई के नाम पे उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं पेरेंट्स या सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं होती है? नहीं, ये तो अभी बहुत कॉमन चीज़ है कि आज भी हमारे कंट्री में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों को एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं समझते हैं. सो बेसिकली अगर आप लड़कियों को एजुकेट नहीं करोगे, आज भी हमारे कंट्री में ऐसे छोटे सिटीज़ है या गाँव है जहाँ फिर लड़कों को पढ़ाते हैं, दे हैव अ थिंकिंग दैट लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे उन लोग, शादी करके घर संभालेंगे, घर के काम सीखेंगे, विच वी नीड टू चेंज बिकॉज वी नीड टू हैव इक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. अगर आप लड़कों को पढ़ा रहे हो तो लड़कियों को भी पढ़ाना इतना ही इम्पॉर्टेंट है. लेकिन फिर भी मतलब ये काफ़ी यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट फिल्म असेसमेंट शॉर्ट फिल्म में ग्लैमर क्वेश्चन ज़्यादा, आप इस तरह के सोशल मैसेज दे रहे हैं, कितना मतलब अपील करेगा लोगों को अगर देखा जाए तो? नहीं, अपील तो अभी कितना करेगा मुझे पता नहीं, बट मैं चाहूँगा कि बहुत अपील करें एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन अ डिफरेंट मैनर रादर देन जस्ट फिल्म. जनरली अगर आप एजुकेट द गर्ल चाइल्ड की फिल्म देखते हो या ऐसे कोई सब्जेक्ट पे फिल्म देखते हो तो ऐसा होता है वेयर यू सी सैड थिंग्स इन द फिल्म, यू नो कि लोग रो रहे हैं, क्यों लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे. हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम एक अच्छे से घर में एक हस्बैंड वाइफ की फिल्म दिखा रहे हैं एंड इन अ वेरी सटल मैनर और इन अ वेरी अग्रेसिव मैनर यू कैन से वी आर लुकिंग एट इट विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. कि अभी आप वो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा नॉर्मल फिल्म से थोड़ी डिफरेंट है. आज आपका शूट डे है ये, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर किस तरह से प्रमोट करने वाले फिल्म को? फिल्म फेस्टिवल्स बहुत बड़ा मीडियम होता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए, तो कौन से फिल्म फेस्टिवल्स को आप टारगेट करेंगे और किस तरह से प्रमोशन करेंगे फिल्म का? सी, फिल्म फेस्टिवल तो आइडली मैंने सोचा नहीं, अभी नेट पर सर्च करेंगे जो फिल्म फेस्टिवल होगी वहाँ पर भेजेंगे जो जो, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल्स कीप ऑन हैपनिंग, आप अभी भेज सकते हो, बाद में भेज सकते हो. सो फिल्म फेस्टिवल्स आप ऑनेस्टली नॉट थॉट, दो आई हैव इट इन माई माइंड कि भेजना है फिल्म फेस्टिवल्स में, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं आपको नाम अभी नहीं दे सकता. एंड टॉकिंग अबाउट द कॉमर्शियल एस्पेक्ट, एक शॉर्ट फिल्म बनाओ किस तरह से कॉमर्शियली आप उसे बेनिफिट करते हैं? सी, कमर्शियली बेनिफिट समटाइम्स ना कमर्शियल बेनिफिट इमीडिएट नहीं होता है. आपको इमीडिएट शायद उसे कमर्शियल बेनिफिट ना हो, बट इन द लॉन्ग रन आपको उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है. व्हेन यू आर शोइंग योर वर्क टू पीपल एंड व्हेन यू मेकिंग गुड स्टफ, इवेंचुअली यू विल गेट अप्रिशिएटेड, पीपल विल लाइक इट, एंड उसका लॉन्ग रन कमर्शियल बेनिफिट या हर तरह का बेनिफिट हो सकता है. लास्टली पूछना चाहूँगा, इतने सारे बड़े डायरेक्टर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मार्वलस प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में है कि आप डायरेक्टर के तौर पर किसी तरह का प्रोजेक्ट्स मतलब लार्जर देन लाइफ, संजय लीला भंसाली बनाते हैं, करण जौहर बनाते हैं, आपका किस तरह का फिल्म बनाने का है, मतलब रोमांटिक सागा या यू नो मैथोलॉजिकल थ्रिलर कुछ ऐसा? नहीं, अभी हर डायरेक्टर का अपना एक जॉनर होता है. आई एम समबडी यू कैन नेवर मेक अ हिस्टोरिक फिल्म और कैन नेवर मेक अ मैथोलॉजिकल फिल्म. तो अगर मैं कल जाके फीचर फिल्म बनाता भी हूँ तो इट विल बी वेरी सिंपल बेसिक डे टू डे फिल्म, रोमांटिक फिल्म विच एनी नॉर्मल पर्सन कैन रिलेट टू, नॉट वेरी लार्जर देन लाइफ. टच द लाइफ्स ऑफ द नॉर्मल पीपल. सॉरी, इंस्पायरिंग द नॉर्मल पीपल. हाँ, एग्जैक्टली, या.
सो बिसाइड्स दैट अब आगे क्या प्रोजेक्ट्स मतलब काम करने, इसके अलावा क्या करने वाले हैं आप? इसके बाद ये जो तीन फिल्म है उसके बाद मेरे पास और कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, कमर्शियल भी और मेरी खुद की शॉर्ट फिल्म्स भी। ओके, बट वो अभी तक बड़ी इनिशियल स्टेज में है, सो उसके बारे में अभी एग्जैक्टली ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। ओके, थैंक्स फॉर, थैंक यू सो मच।